नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों आधी से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन है। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि खाना बनाना नहीं जानते हैं या सामान की कमी है लोगों के पास। इसी कड़ी में आज हम दोस्तों बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसान बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों इसकी रेसिपी जानने के लिए। बेसन की सब्जी के लिए दोस्तों जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताता हूँ आपको। दो इस तरह के चम्मच जो हैं वो मैंने लिए हैं बेसन के, और उसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी के साथ मिलाते हुए हिलाते हुए जिससे कि डले ना बने एक पेस्ट तैयार कर लिया इसका, कुछ इस कंसिस्टेंसी का। इसमें मिर्च डाली है मैंने आधी चम्मच, और कुछ थोड़ी मात्रा में स्वाद अनुसार नमक डाला है कंसिस्टेंसी देख ही लिया आपने। इसके अलावा एक छोटा प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब हम लेंगे इसमें। अगर आपके पास दोस्तों इनमें से कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं उसको। इसके अलावा दोस्तों बटर मिल्क या छाछ जिसे हम कहते हैं एक बाउल में वो भी मिली है मैंने। लाल मिर्च एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, ये सब मैंने ले लिया है, और एक कुकर में ऑयल एक चम्मच गरम करने के लिए डाल दिया। ये देखिए फिर गरम हो गया दोस्तों। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, छोटा चम्मच जीरा, हल्का गर्म होने दिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये जीरा हो गया हमारा, अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी, जो अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, तुरंत बनती है धीमी आंच में 1 से 2 मिनट के लिए। ये मिश्रण दोस्तों हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, लाल मिर्च, और थोड़ा पानी डालकर इसे पकने देंगे धीरे धीरे धीमी आंच पर, जब तक कि तेल हमारा ऊपर ना जाए। ये देखिए दोस्तों ये मसाला हमारा भून चुका है, रेडी हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, यानी मसाला हमारा पक चुका है। इसमें दोस्तों 1 कप पानी डालेंगे हम, पानी के साथ ही इसमें डालेंगे हम बटर मिल्क 1 बाउल, छाछ जिसे कहते हैं, और 1 उबाल आने देंगे दोस्तों। उबालने के दौरान दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे हिलाते रहना है, अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो ये छाछ जो है इसकी फट जाएगी जो हमने डाली है इसमें। ये दोस्तों उबाल आ गया है बटर मिल्क में, और इसमें जो हमने मसाला था हमारा इसमें इसे हिलाते रहना था लगातार, मैंने बताया जैसे आपको, और अब हम इसमें बेसन डालेंगे धीरे धीरे कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ड्रॉप्स जो है इसकी अच्छे से डालते रहेंगे हम इसमें धीरे धीरे उबलते हुए पानी में। ये देखिए ये बेसन जो हमने डाला है दोस्तों वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, देखो देखे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और हिलाएंगे इसे और थोड़ी देर ढक के और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे आराम से। ये देखिए दोस्तों ये हमारी स्वादिष्ट सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान है दोस्तों ये इसको बनाना, और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनती है ये। तो अगर दोस्तों आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।